बौद्धनाथ भारत में जन्मा, इसका उदय भारत में हुआ और ये विदेशों में फैला लेकिन भारत से विलुप्त हो गया। ऐसा है क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि बौद्धनाथ की जो अच्छाइयां हैं, जो अच्छी बातें हैं, वो यहाँ लागू ना की जाए क्योंकि वो अपनी पॉलिसी चलाना चाहते हैं। उनकी पॉलिसी बौद्धनाथ से एकदम अलग है। वहाँ वर्ण व्यवस्था है, जाति पात जात पात है ना, ऊंच नीच है, समानता नहीं है। अगर समानता होती, वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो एक ही वर्ग क्यों इस देश में शासन करता आ रहा है अभी तक? जब से देश आजाद हुआ तब से लेके अब तक एक ही वर्ग ऐसा क्यों है जो शासन करता है? कहने को यहाँ पे चार वर्ण है, चारों में से सिर्फ एक ही वर्ग जो है वो शासन करता है और अगर उसकी पॉलिसी नहीं चलेगी तो उसका शासन खत्म होगा और कौन ये चाहेगा कि मेरे हाथ से कंट्रोल पावर जो है वो निकल जाए। इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म उनके एकदम अपोजिट है, अगेंस्ट है। तो अगर आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो अपने सामने वाले को तो आपको खत्म करना ही पड़ेगा। तब तक आप ताकतवर नहीं बन सकते, तब तक आप सुप्रीम पावर नहीं बन सकते, तब तक आप राज नहीं कर सकते और राज करने के लिए आपको एक को तो खत्म करना ही पड़ेगा। तो इसलिए बौद्ध धर्म जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें पाई जाती है, जिसमें वर्ण व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, सब बराबरी है, अगर सभी बराबर हो जाएंगे तो गुलाम कौन रहेगा, शासक कैसे होगा, क्योंकि वहां तो सब बराबर होंगे। इसलिए बौद्ध धर्म जो है देश से विलुप्त हुआ क्योंकि कुछ लोग जो स्वार्थी मानसिकता के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि यहाँ हमारा शासन रहे, लोग हमारी गुलामी करें।